देखिए बड़ी खबर वाराणसी से है, जहां काशी हिंदू विश्वविद्यालय में छात्रों और सुरक्षा कर्मियों के बीच झड़प हो गई है। इसी दौरान वीसी आवास के आसपास का इलाका काफी देर तक रण क्षेत्र में तब्दील रहा। दरअसल फीस वृद्धि को लेकर छात्र लगातार आंदोलनरत हैं और करीब 20 दिनों से धरने पर बैठे हैं। वहीं वीसी आवास पर मौजूद सुरक्षा कर्मी छात्रों से हटने की अपील कर रहे थे, लेकिन छात्र अपनी मांग को लेकर अड़े रहे। बाद में सुरक्षा कर्मियों ने छात्रों को जबरन घसीट कर वीसी आवास से हटाया। तो बताया जा रहा है वीसी आवास के बाहर धरना पर बैठे छात्र आम आदमी पार्टी के यूथ संगठन से जुड़े हैं। फीस बढ़ोतरी का विरोध करते 20 दिन से धरना दे रहे थे, फिर वीसी आवास का घेराव किया। वीसी आवास पर सुरक्षा कर्मियों ने पहले कहा कि हट जाइए, लेकिन ऐसा नहीं करने पर सुरक्षा कर्मियों ने बल प्रयोग किया। बल प्रयोग करने के बाद बताया ये जा रहा है कि बहुत देर तक तनातनी बनी रही और रण क्षेत्र में तैनात जो स्टूडेंट थे, सुरक्षा कर्मी थे, उन दोनों के बीच गहमा गहमी बनी रही काफी देर तक। तो बीएचयू से इस वक्त बड़ी खबर मिल रही है, एक स्टूडेंट का पूरा ग्रुप है जिससे बताया जा रहा है कि आम आदमी पार्टी का यूथ संगठन है और इससे जुड़े तमाम छात्र वीसी आवास का घेराव कर रहे थे। वहां सुरक्षा में मौजूद सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें रोका, ऐसे में नहीं हटने पर उन्हें घसीट कर हटाने की कोशिश की और इस दरमियान माहौल बिगड़ गया। तनातनी से हाथापाई तक बात पहुंच गई। 20 दिन से आपको बताएं ये छात्र संगठन फीस वृद्धि का विरोध कर रहा था, धरने पर बैठे थे और ऐसे में इन्होंने वीसी आवास का घेराव किया जहां सुरक्षा कर्मियों से इनकी हाथापाई। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।